बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा ही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का गोरा पत्थर है, जिसका गुलाल बनता है। जिला राज्य से लेकर देश विदेशों तक इसका सप्लाई होता है और बहुत फेमस है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से ही कि इसकी क्या खासियत है और क्यों फेमस है, और गुलाल के अलावा किस किस चीज़ में ये गोरा पत्थर का उपयोग किया जाता है। आपकी कारी के जंगल में जो खदान है, गोरा खदान, तो उसके पत्थर किस काम में आते हैं? जे होली का ये गुलाल बनती है, और जो दवाइयाँ वगैरह भी बनती हैं उस पाउडर से, और बाहर जाता है बिकने के लिए। जैसे पीपल भी बनती हैं, जो फर्स्ट गेट का है उसका बनता है अखबार का कागज, और बाकी इसकी गुलाल भी बनती है, और ये सीटें हैं ना, ये सीटन में भी जाता है। यहाँ के बाज़ारों में मिलता है वो पत्थर का, यहाँ के ही पत्थर का? नहीं, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। कहाँ चला जाता है सब? ये तो बाहर जाता है। कहाँ कहाँ जाता होगा? हमें तो भोपाल और भिलाई का मालूम है कि गुलाल को जाता है भोपाल, और पेपर मिल को जाता है भिलाई। ये पत्थर पहले पीस के ये इसका बारूदा बनता है, मतलब पाउडर बनता है? पाउडर बनता है, फिर पाउडर से उसमें कलर डालते हैं। हाँ, जो भी जैसा तुमको चाहिए वैसा कलर मिला सकते हैं। कितने प्रकार के पत्थर रहते, नाम बता दो। कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाल भी होते हैं, नीले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं, जैसा जिसको चाहिए वैसा निकलता है। खदानों में तो सब प्रकार के निकलते। तो ये अब जो भी पाउडर बनता है सब अपने अलग अलग कलर में आते हैं? हाँ, जिसको जिस पाउडर को चाहिए, जिस पत्थर को जैसा कलर चाहिए वैसा पत्थर खरीदते हैं खदानों से। इसी से टाइल्स बनते हैं? हाँ। छट छट के माल, कालो माल अलग छट रहा, सफेद माल अलग छट रहा, पियो माल अलग छट रहा। तो कई रंग का पत्थर होता है? हाँ, कई रंग का पत्थर है। पहले पत्थर छांटते हैं? हाँ, पहले पत्थर छांटत हैं, और फिर धोबत है, फिर धोप के पिसाते हैं, फिर चल फिर जितने हो जाए ट्रक के ट्रक चले जाते। हाँ हाँ, गुलाल बना। कैसा महसूस होता है कि आपकी यहाँ की चीज़ इतनी फेमस है? हाँ, महसूस ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ पर दो देश विदेश से लोग आते हैं, देखते हैं, तो वो अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं बहुत दूर दूर से। रोज़गार भी मिलता है यहाँ के लोगों को? हाँ, रोज़गार है ना, यहाँ पर आते हैं तो जो भी आदिवासी लोग हैं वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए रोज़गार भी की बहुत ज़रूरत है, बहुत लगे रहते हैं बहुत सारे लोग हैं। कारी से जाते हैं, ये फुटेर टपैया ने से पाँच छः गाँव से जाते हैं, बजरुगा से भी जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं वे लोग जाते हैं। तो ये इसका मैंने यूज़ होता है हालांकि वेट बढ़ाने के लिए। अच्छा। मैंने वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। जैसे गुलाल है, साबुन है, तो इनमें फिलर की तरह के उपयोग होता है इसका जी। बाकी ऐसी पेंट में भी इसका ये उपयोग है, डिस्टेंपर वगैरह बनाने में, मैंने इसको वजन बढ़ाने के लिए, या इसको जैसे कुछ केमिकल डालना, तो किसी न किसी चीज में डालते हैं, इसमें डालते हैं सब। तो ये गुलाल तो यहाँ बनता नहीं है, बाहर बनता है कहीं जाके? गुलाल तो बनते सारी चीजें बाहर ही है, जैसे कानपुर में बनेगा, आगरा के पास बनता है, साबुन है तो साबुन, जैसे अपने घड़ी साबुन बनता है सागर में। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।